आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में तमाम संगठनों के अध्यक्ष जुटे हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रभारी दलीप संखिया और मेयर आशा लकड़ा मौजूद है और पंचायत चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। आयोग तैयारियों में जुटा है तो दूसरी तरफ अलग अलग राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी क्रम में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में तमाम संगठनों के अध्यक्ष मौजूद रहे, विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में तमाम जो कार्यकर्ता है वो मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की है। बाबूलाल मरांडी, मेयर आशा लकड़ा और प्रभारी दलीप सकैया भी मौजूद रहे इस बैठक में। बैठक में और पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता दीपक प्रकाश कर रहे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है, काफी महत्वपूर्ण है यह बैठक। पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और इसमें तमाम संगठनों के अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या कुछ और हो रहा है इस बैठक में, सीधे हम अपडेट्स लेंगे। हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां मुकम्मल हो गई है, अब राजनीतिक दल भी उस तैयारियों में जुट गए, इसी कड़ी में बीजेपी में बैठक हो रही है, क्या मुद्दे हैं पंचायत चुनाव के इतर या सिर्फ पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक बैनर के तले ये चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके जितने राजनीतिक दल हैं उनके जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, ये पंचायत चुनाव जरूर लड़ते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लड़ते हैं। बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसके कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हैं, तो इन कार्यकर्ताओं को कैसे अच्छी तरह से चुनाव लड़वाना है। ठीक है कि सीधा इंटरफेरेंस नहीं होता पॉलिटिकल पार्टीज का, लेकिन जो लोग होते हैं क्षेत्र में, गांव में, वो कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन उनका रहता है। तो पार्टी की आज की बैठक में यही कहा जा रहा है कि हम अपने क्षेत्र में जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण इकाई है, उन क्षेत्रों में वैसे लोगों को प्रमोट करें, चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करें जो जीतने की स्थिति में हों, जिनके समीकरण फिट बैठ रहे हों, उन्हें सपोर्ट करना है और जो कार्यकर्ता हैं उन्हें उस क्षेत्र में सपोर्ट करें, उनके अलग अलग पदों पर जो भी पद हैं उनका, उसके लिए उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। यही रणनीति बनाई जा रही है। जितने भी मोर्चा है, प्रकोष्ठ है, उन सभी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी लोग हैं, प्रदेश पदाधिकारी सब लोग हैं। रणनीति ये बनाई जानी है कि बूथ लेवल पर जो पार्टी की कमेटी है उसको इस तरह से एक्टिवेट किए रखना है कि जो विनिबिलिटी रखने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले, और ऐसी जगह जहाँ पर एक से अधिक
बीजेपी के ही कार्यकर्ता अगर एक पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो उनमें से ये देखना कि कौन सा कैंडिडेट जो है जीत दर्ज कर सकता है और दूसरे कैंडिडेट जो कमज़ोर हैं उनका समर्थन उसे दिलवाना, ये रणनीति पार्टी की बन रही है और इसी को लेकर बैठक हो रही है। कैसे पंचायत स्तर पर चीज़ों को रखना है, जनता के बीच कैसे कन्विंस करना है कि किस तरीके से उन्हें समर्थन दिया जाए, कहीं ना कहीं ये बताना भी है कि जो वर्तमान में जो सरकार है वो काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। इस कारण से गांव की सरकार होना यानी गांव ग्रामीण स्तर पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे मजबूत करना जरूरी है और इनकी अहमियत को बताते हुए अधिक से अधिक संख्या में इस विचारधारा की यानी बीजेपी विचारधारा के जो समर्थक है कार्यकर्ता हैं वो जीते, पार्टी की यही रणनीति है, इसी पर मंत्रणा हो रही है। शारिक तक उम्मीद की जा रही है राजेश की जब बैठक खत्म होगी तो मीडिया ब्रीफिंग होगी और तमाम तरह की जानकारियां मीडिया को दी जाएगी। हालांकि रणनीति पर विशेष चर्चा या विशेष जानकारी तो नहीं होगी कि क्या रणनीति बनाई गई और किस तरह से चुनाव में पार्टी जा रही है, कार्यकर्ताओं को क्या कुछ आह्वान किया गया है। देखिए इसका खुलासा तो नहीं किया जाता है क्योंकि देखिए आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू है और इस तरह की बातें नहीं किया जाना चाहिए कि इसको कोई पॉलिटिकल कलर दिया जा सके, ये पूरी तरह से बैन भी है और पार्टी जो है अंदर अंदर सपोर्ट करती है और जो भी कैंडिडेट्स खड़े करने हैं अलग अलग पदों के लिए उसके लिए रणनीति वो अपने स्तर से ग्रामीण स्तर पर बनाई जा रही है। अभी आने वाले समय में जगह जगह बड़े नेताओं का दौरा होगा, पहले भी दौरा हो चुका है और एक जनरल कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई है पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि हम अधिक से अधिक संख्या में बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता या इससे जुड़े जो इसकी विचारधारा से जुड़े लोग हैं वो कैसे जीते, इस पर एक असेसमेंट लोग बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर पर कर चुके हैं, जिला परिषद के भी चुनाव होने हैं तो हर जगह पर कुछ ना कुछ ये तय किया गया है कि ये विजिबिलिटी रखने वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनको सपोर्ट कैसे अधिक से अधिक मिले ताकि वो जीत पाए, यही रणनीति बनानी है। और अब ये प्रदेश स्तर पर जो बैठक हो रही है इसके बाद ये क्षेत्रीय स्तर पर बैठक होगी और बड़े बड़े नेता जाके वहाँ पर देखेंगे कि कैसे सहमति बनाई जाए, आम सहमति बनाई जाए किसी कैंडिडेट विशेष के लिए कि वह जीत सके। चलिए आप नजर बना के रखिए इस बैठक में, आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे लगातार। राजेश फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।